आखिरी मुकाबला है गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट और कराची वॉरियर्स की टीमें इसमें मध्य मुकाबिल होंगी। कराची वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का ऐलान किया। शानदार शॉट खेला 4 रन के लिए। ये बल्ले से थोड़ी स्लाइस हो गई थी लेकिन इनफील्ड से ये जैसे ही निकली इसका 4 के लिए जाना ठहर गया था। अच्छा आगाज हुई गनी का। रिफ्लेक्शन है ये और पान लेग को बीट करते हुए निकल जाएगी बाउंड्री के लिए। अच्छा पेस को यूज किया, थोड़ा सा ऑफलाइन हुए मिलाल आसिफ और उसकी कीमत उन्होंने अदा की। टॉस और लेग की बॉल से बाहर थी। 4 रन के लिए खेल दिया। खुली दावत हाथ मार दिया शहबाज जावेद ने। अच्छा स्वीप शॉट 4 रन। शहबाज ये अच्छे बैट्समैन लग रहे हैं पेस और स्पिन दोनों के सामने। इस मरतबा मोहित आउट हो जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बीट हो गए। बिलाल आसिफ की फाइट और टर्न उनका काम तमाम कर गई। टैकिंग इंटेंट जरूर थी मोहित की लेकिन बिलाल आसिफ खुश। बिलाल का बॉलिंग करना ब्लॉक करा दिया। ऑफ के ऊपर से खेल दिया, चोटी के ऊपर से खेला गया शॉट। शावेस का पहला चौका, शानदार हिट लगाई उन्होंने। बहुत अच्छा महसूस करेंगे 4 ओवर के बाद। फुल टॉस उठा के खेल दिया है ऑल द वे 6 रन के लिए। रेस किया है ऑन साइड पर और कैच ड्रॉप हुआ। कट अच्छी कट है और ये जाएगी लॉन्ग ऑफ की जाने 4 रन के लिए बाहर। तो एक जोरदार ट्राई था। एक और शानदार शॉट खेला है शावेज ने डाउन द ग्राउंड 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट शावेज की जानिब से। पहला ही बॉल एक मिस फील्डिंग की सूरत में 4 रन मिल जाएंगे शहबाज को। तो मिस फील्डिंग और खराब फील्डिंग का सिलसिला जारी है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार ये एक जन्नाटेदार शॉट है जैसे आप कहते हैं 4 रन के लिए। और ये जोरदार शॉट है। नवे ओवर का आगाज किया 6 रन के साथ शावेज इरफान ने। इनको रोकना अब मुहाल है। युक्ता शॉट अब शहबाज कोई नहीं रोक सकेगा मिस सेंचुरी तक पहुंचने के लिए। शानदार इनिंग्स, सिर्फ 29 गेंदों में उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। ये ज्यादा अच्छी गेंद नहीं थी। फाइनल के ऊपर से खेल दिया 4 रन के लिए। सजा मिली इस पूरी गेंद की उम्र को। चौका और छक्का और साथ साथ 100 रन भी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के। और कहा होगा और लोग और भी होगा स्कोरर है मदद कर दिए। मौजूद नहीं 4 रन का और इजाफा होगा। 2 अच्छी गेंदों पर चौके लगे हैं और 2 बुरी बाउंड्री, 2 बुरी गेंदों पर इनने बाउंड्री कंसीड की। उम्र में मिली जुली बॉलिंग कर रहे हैं। और ज्यादा बुलंद हो रही है 50 रन मुकम्मल करने के बाद। और ये गेंद बिल्कुल लेफ्ट आर्म्स के करीब से होती हुई चली गई विकेट कीपर यहां भी इस गेंद को समझने में पकड़ने में नाकाम रहे और ये बाई के 4 रन मिलेंगे गनी इंस्टीट्यूट को। आगे गिरी थी इसी अंपायर ने आउट दे दिया। स्वीप
पकड़ने के लिए गए शहबाज बट हर गेंद को बाउंड्री की राह दिखाना चाह रहे थे और ये लेफ्ट नहीं थी स्वीप करने को। विराट बट की ये गेंद बिल्कुल सीधी थी, तीनों स्टंप्स के दरमियान इसको स्वीप करना चाहते थे और बिल्कुल विकेटों के सामने टकराई। कामरान खलील के लिए ये एक आसान फैसला था और यूं 98 रन की शराकत का भी खात्मा हुआ। बड़ा शॉट, हवा में फील्डर मौजूद है, फील्डर इस बार कोई गलती नहीं की और आसानी से कैच लेकर शावेज के इनिंग का इख्तिताम किया। आपको अनलकी कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉल मिल गया था बड़े हिट का, ये दूसरी विकेट इमरान बट के लिए। टर्न के लिए खेले शावेज ऑन साइड पे स्लॉग करना चाहते थे लेकिन विद द आर्म गेंद जो है वो स्लाइड हुआ और सीधा लॉन्ग ऑफ पर गया। एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन मिल जाएंगे। फिर पुल शॉट, एक और चांस था। बड़ा शॉट एक बार फिर मिड विकेट की जानिब 6 रन के लिए। फील्डर्स की सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो ऐसा ही बर्ताव करेंगे बैटर्स। सामान उठा दिया गैप में से बॉल एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद थी। सामान इसका पूरा फायदा उठाया। बड़ा शॉट है ये बहुत ही बड़ा शॉट है, ये चला जाएगा मैदान से बाहर 6 रन के लिए। अपनी टेंशन को क्लियर करते हुए उठता हूँ, ये बड़े हिट मारने आए। एक बार फिर सेम एरिया सेम रिजल्ट 6 रन। फिर उठा दिया हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, सेम एरिया सेम रिजल्ट। आज कोई लिहाज नहीं है, आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, आप मुकाबला बराबर का है। चौथा बॉल जामीर, एक और छक्का हो जाएगा ये। जी हाँ, एक और छक्का, चौथा छक्का इस ओवर का। तो 6 छक्के जिनका हम जिक्र कर रहे थे, दे ऑन द कार्ड शाबाश। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, जामीर बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है इमरान बट को। और यहाँ पर सनसनी फैला दी डीएचए लाहौर में। इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है इमरान बट की जानिब से। 4-5 छक्के इनफैक्ट और एक चौका, 34 रन। बूम बूम उसामा मीर, उसामा मीर का एक और अच्छा स्विंग। और ये गेंद जो है ये फील्डर्स को पीछे छोड़ जाएगी। मिड विकेट पर छक्का हुसैन तलत का, विंद स्पिन उन्होंने खेला। बहुत मुश्किल हो रही है और ये बहुत बड़ा छक्का। उसामा मीर एक बार फिर से बैट्समैन लेग ब्रेक करने की कोशिश की, लेग स्पिनर बनाम लेग स्पिनर। उसामा ने मिस सेंचुरी ये मार्का मार लिया। एक शानदार मुबारकबाद के मुस्तक हैं उसामा मीर। और सामने बड़ी बेदर्दी के साथ बिठाई जा रही है, छक्कों की बारिश कर रहे हैं उसामा मीर और उनने अपने छक्कों की रेंज दिखा दी है। जोरदार तरीके से खेल दिया है, एक और छक्का और इस बार उड़ान बहुत ऊंची है स्टेडियम से बाहर। हमारे ऊपर जो एक बालकनी है उसके ऊपर जाकर गेंद टकराई है, तो जबरदस्त छक्का लगाया इस बार एक बार फिर उसामा मीर ने। दो तरीके से किसको खेला है ऑन साइड पर, अब कैच हो जाना चाहिए नीचे। तो इस तरह उसामा मीर की एक इंतहाई खूबसूरत इनिंग का खात्मा हुआ। जा रहा ना इनिंग थी और 20 गेंदे खेल कर 66 रन बनाकर जिस तरीके से वाउच बजाय रखे वो वैसे ही करना चाहते थे। 30 गेंद थी तीसरी ओवर की और असीम को ये कामयाब हासिल। उसामा मीर आउट हुए और एक यादगार शानदार जा रहा ना इनिंग किस तरीके से खत्म हुई। आउट लग लगा और गेंद टॉप एज पर गई, यहाँ पर मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट पर।
गेंद को मिलाकर उसने हासिल कर लिया। और ये फ्रेंडली फुल टॉस पे ही आउट हो गए। ये हसीब अब हैट्रिक पे आ गए, हम आउट ऑफ हो गया और नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये ऑन द कार्ड था। और 235 रन बनाए, अब बात सामने भी है बैट्समैन। यहाँ एक गेंद क्षेत्र में सभी 20 ओवर्स मुकम्मल हो गए, छह खिलाड़ी आउट और अब बारिश तेज हो गई है, इसलिए मैदान में अंपायर तरफालों को बुला लिया है, क्योंकि घर चमक भी शुरू हो गई, तो अब अंपायर्स के लिए ये फॉरिकॉल करना आसान होगा नहीं। ये मंजर है, यहाँ पर इस वक्त बारिश ने खेल रोक दिया था। दूसरी आज से पहले आखिरी ग्रुप का मैच था आज, और यहाँ पर उससे पहले बारिश के आने से पहले बहुत ही धुआंधार बैटिंग इनिंग्स देखने को मिली जीआईसी की जानिब से। शहबाज जावेद ने 75 रन बनाए, हुसैन तलत 28 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन उसामा मीर ने मेला लूट लिया, 66 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों पर, और टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पे देखने को आया आखिरी लीग मैच में। 20 ओवर्स में 236 रन बनाए जीआईसी ने। बॉलिंग को आड़े हाथों लिया यहाँ पर, बिलाल आसिफ स्टैंड आउट रहे, उन्होंने दो खिलाड़ियों को आउट किया 26 रन देकर, सीम ने भी दो खिलाड़ियों को आउट किया 31 रन देकर, लेकिन बाकी के बॉलर्स को मैदान के चारों जानेब की भरपूर पिटाई की जीआईसी के बैटर्स ने। लेकिन यही वो लम्हा था जब इनिंग्स ब्रेक पर बारिश आ गई और ये मैच जो है वो खत्म करना पड़ा, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिले, और उसके बाद पूल ए की ये सिचुएशन बनी। जीआईसी इस एक पॉइंट को खोने के बावजूद टॉप किया उन्होंने, 4 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त रहे और सेमीफाइनल में जगह बनाई। एचबी लाल ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली, ब्लैकस्टोन बहादुर पॉइंट्स पे तो बराबर रहे लेकिन रन रेट पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए, और कराची वॉरियर्स ने 2 पॉइंट हासिल किए बारिश की बदौलत। अब वो मरहला शुरू होगा नॉकआउट स्टेज, यहां पर कल से सेमीफाइनल नंबर 1 पहला मैच 7:15 बजे शुरू होगा कनिष सेरामिक्स और एचबी लाल के दरमियान, दूसरा सेमीफाइनल 11:30 बजे जीआईसी और खावर प्रॉपर्टीज के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेट देखी है, बहुत ही एक्साइटिंग लाइनअप बिल्कुल तैयार है, एक्साइटिंग क्रिकेट, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन करने का, और हमें ये ट्रांसमिशन करने के बाद बहुत मजा आया, और वी लुक फॉरवर्ड टू यू कंप्लीट टुमारो। अंटिल देन फ्रॉम डीएचएल लाहौर, गुड नाइट।